आपकी होस्ट नुपुर, वेलकम टू माय चैनल इन रॉन्ग नुपुर। तो फ्रेंड्स, अभी हम मौजूद है यूपी के सबसे बड़ा जिला, जी हाँ, बहुत से लोग आप लोग पहचान गए होंगे, जो नहीं पहचाने थे बता देते हैं, हम मौजूद है इस टाइम यूपी के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम आपको बता दें, लखीमपुर का जो कुल खीरी का जो एरिया है वो लगभग 10.1 किलोमीटर स्क्वायर्स है, और इसका पिन कोड जो है वो 262701, और व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो UP31 है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लखीमपुर में मौजूद हैं। तो अभी आपको बता दें, हम अभी हैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन के नज़दीक। तो अभी आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सामने देख सकते हो वो है रेलवे स्टेशन, और ये जो सामने रोड जा रही है ये जाती है सीधे हीरालाल धर्मशाला की ओर, और फ्रेंड्स ये जो रोड है ये सीधे जाती है मेला मैदान की ओर। और अभी हम जो हैं खड़े हैं पातम वैश्य धर्मशाला के बाहर, देख सकते हैं फ्रेंड्स, सामने आपको स्टेशन का फुट ओवर ब्रिज भी दिख रहा होगा अंदर, वो देखिए फ्रेंड्स सामने फुट ओवर ब्रिज है। और ये है हमारे यूपी का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। फ्रेंड्स, हम बता दें हम लखीमपुर आए क्यों हैं। तो हम आए यहाँ पे एक मैरिज अटेंड करने, मतलब मेरी जो बुआ है उसी उन्हीं की बेटी की शादी है जो कि इसी पातम वैश्य धर्मशाला में हो रही है। तो हम यहीं पे आए हैं शादी अटेंड करने, सोचा कि चलो आपको लखीमपुर का भी ब्लॉग दिया जाए। और जो लोग लखीमपुर से हैं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर से बताएगा कि आप लोगों को लखीमपुर में क्या क्या देखना है। वैसे तो हम यहाँ पे ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं आया, बट मुझसे जितना हो पाएगा हम आप लोगों को दिखाएंगे। और अभी चलिए हम आपको गेस्ट से मिलवाते हैं जो यहाँ पे आए हुए रुके हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप सामने देख सकते हो ये पीछे पूरी रोड है, ये मेरे पीछे आपको रेलवे स्टेशन दिख रहा होगा लखीमपुर का। आई डोंट नो कि धूप बहुत है यहाँ पे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम खैर अंदर चलते हैं, हम तो बस यहाँ पे आ गए। पीछे ही सामने से ये रोड मेला मैदान की ओर जाती है। तो चलिए आपको पातम वैश्य धर्मशाला के अंदर लेके चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सामने देख सकते हो यहाँ पे भैया लोग हैं वो डेकोरेशन कर रहे हैं शादी की, और ये है पातम वैश्य धर्मशाला, और अंदर सारे जो हैं गेस्ट बैठे हैं। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। ये है पूरा धर्मशाला जैसे कि भी आपको दिख रहा है, और यहीं पे है शादी। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी डेकोरेशन वगैरह शुरू हो चुकी है रात के लिए। इधर साइड को सारा खाना वगैरह बन रहा है। भैया, मेरा यूट्यूब चैनल है जी। और ये इस धर्मशाला का ऑफिस है, आप देख सकते हो। सामने की ओर मेन रोड है। यहाँ पापा बैठे हैं, यहाँ पे सारे गेस्ट बैठे हैं जी। और फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए ऊपर जाने का रास्ता है, और इधर साइड को सारे रूम वगैरह बने हुए हैं। तो आपको भी वहाँ पे लेके चलते हैं, वहाँ मिलवाते हैं सारे गेस्ट से। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे भी टेंट वगैरह लग चुका है, और इस टाइम जो लंच है उसकी तैयारी हो रही है। यहाँ पे बुआ लोग खड़ी हैं सामने, यहाँ पे टेबल पे लंच लग रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, शादी में जो खम्भा लगता है जहाँ से फेरे वगैरह होंगे उसके लिए सामान भी आ चुका है। और इस रूम में सब गेस्ट बैठे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। ये मेरी सारी बुआ लोग हैं, यहाँ पे सब लोग बैठे हैं। और ये मेरी बड़ी बुआ, आप तो जानते होंगे इनको जी। और फ्रेंड्स, आप सामने जो रूम देख रहे हो, सामने आपको दिख रहा होगा बोरा, तो वहाँ पे है मेन फंक्शन शादी का होगा, जहाँ पे जयमाल वगैरह। और इस रूम में भी देखिए, यहाँ पर भी बैठे हैं सब लोग। हेलो बोलो। ये दादी हैं। यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, यहाँ पे लंच चल रहा है। यहाँ पे सब लोग अपने अपने प्लेट में ले आए हैं लंच।
और इस रूम में मेरी फैमिली है और मेरे जयपुर वाले बाबा दादी लोग हैं। ये बुआ हैं, इन्हीं की बेटी की शादी है। अभी हमने आपको सारे गेस्ट से मिलवा दिए, अभी और भी लोग आना बाकी हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी जो है लंच की तैयारी हो रही है। अब सर लोग लंच करने जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, टेबल पे लग चुका है और लंच में क्या बना है हम आपको दिखाते हैं। लंच में बनी है तहरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तहरी बनी हुई है, सब अलग अलग है यहाँ पे। तो सब लोग बैठे लंच वंच करें। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इस हॉल में क्या है, क्योंकि यहीं पे ही सारी डेकोरेशन वगैरह हो रही है। यहाँ पे कूलर वगैरह जो है लग चुके हैं और इसी हॉल में यहाँ पे जो मेन फंक्शन होगा शादी का, जयमाल वगैरह, वो यहीं पे होगा। आप देख सकते हैं स्टेज जो है पूरा सज चुका है। यहाँ पे डीजे की फ्लोर भी आ चुकी है, सामने चेयर वगैरह पड़ चुकी है। तो जो लोग लखीमपुर से मेरा व्लॉग देख रहे हो, किनकी किनकी शादी इस बाथम वैश्य धर्मशाला में से हुई है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। ये रहा पूरा हॉल, सामने की ओर स्टेज है। गर्मी तो बेइंतहा है और इस टाइम जो है लगभग दोपहर का भी टाइम मुझे नहीं दिख रहा है। इस टाइम दोपहर का 1:30 बज रहा है। तो हम भी लंच कर लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं। हम यहाँ पे लंच करने जा रहे हैं, फिर आपको मिलते हैं। शादी में आए हुए हैं, तो यहाँ पे शादी के फंक्शन जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पे देखिए, हर लड़की वालों को यहाँ पे ऐसे ये धागा दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि मतलब शादी है। और अरे उन लोग का क्या मतलब है, बट ठीक है, अच्छा लग रहा है हाथ पे। तो यहाँ पे सबको दिया गया है, यहाँ जितने लोग बैठे सबको दिया गया है ये धागा, सब लोग अपने अपने हाथों पर बांधा है। गर्मी बहुत पड़ रही है, तो मेरी ऑडियंस खा लो। मैंगो शेक नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मैंगो शेक भी है। मैंगो शेक नहीं मिल रहा है, टाइप आइसक्रीम खा रही है। चल रहा है, देखेंगे कितना खाए।
जो जितनी शादी थी हमने आपको दिखाया वो पूरी हो चुकी है। अब शादी की जो मेन रस्में होती हैं वो अब यहाँ पे निभाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मंडप लगा हुआ है और पीछे जो शादी की जो मेन रस्में होती है फेरे वगैरह होते हैं, सिंदूर वाली होती है, मंगलसूत्र वाली होती है, तो वो यहीं पर हो रही है। और अभी फ्रेंड्स सुबह के 4 बज गया है और अब शादी जो है वो यहाँ पर चली रही है। देख सकते हैं फ्रेंड्स मंडप के नीचे जो मेन शादी होती है वो यहीं पर होती है। जयमाल तो एक अलग रस्म हो गई बट मेन शादी जो होती है हमारे हिंदू रीति रिवाजों में वो यही होती है, जहाँ पे दूल्हा दुल्हन साथ बैठते हैं, फेरे होंगे, फिर ये खम्भ लगा हुआ है हमने बताया था इसी के आसपास यहाँ पे फिर वो अग्नि जलाई जाती है, फिर फेरे होंगे। ये देखिए सारे यहाँ पे गेस्ट बैठे हैं। हमने आपको शुरू से लेके एंड तक पूरी शादी दिखाई। ये है हमारी इंडियन वेडिंग टिपिकल वाली जो हो रही है। और कौन कौन इस शादी में मौजूद है जो मेरा ब्लॉग देख रहा है तो प्लीज़ आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और आप लोग प्लीज़ ये चैनल शेयर करो और आपको मेरे चैनल पे और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने को मिलते रहेंगे। और जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और अभी तो शादियों का सीज़न चल रहा है इसलिए मेरे चैनल पर ज़्यादातर वेडिंग ब्लॉग्स आ रहे हैं, इतने इन्विटेशन आ रहे हैं, तो हमने सोचा चलो आप लोगों के साथ अपनी जो लाइफ है वो शेयर करी जाए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी हम लखीमपुर में मौजूद हैं और यहाँ लखीमपुर की शादी हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। और फ्रेंड्स कल से अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई, पूरी रात ऐसे जगते हो गई, सुबह के 4 बज रहे हैं, आँखें एकदम बहुत पेन हो रहा है, मतलब नींद आ रही है, पर कोई नहीं है, शादियाँ हैं चलते ही रहता है। और आप लोग मेरे ब्लॉग्स कहाँ कहाँ से देख रहे हो तो प्लीज़ अपनी लोकेशन ज़रूर से मेंशन करिए। आप लोग लखीमपुर से हो या कहीं और से भी हो, जो भी शादी मौजूद है, जो भी लोग आए हैं, अगर आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ अपनी लोकेशन ज़रूर से मेंशन करो। और फ्रेंड्स मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर से फॉलो करें। और फ्रेंड्स मेरे भाई का भी यूट्यूब चैनल है ब्लॉगर कार्तिक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए फ्रेंड्स अभी तो इस टॉक में यही पेंड करते हैं। लाइक कमेंट सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट विशेज़ फॉर देम, बोथ ऑफ देम। Bye.